शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम, आओ हमारे देश केसरिया बालम, आओ हमारे देश। दीप सिंह ने ही छोटे ठाकुर साहब को मारने का आदेश दिया था। दीप ने खुद की समस्या को युवान निकाले हुआ है। हे भगवान, अब क्या होगा? रुक्मणी, तू इतना बड़ा लाल झंड लगा रही है हमारे दीप पर। अरे अपना मुंह खोलने से पहले इतना तो सोचा होता कि कितनी बड़ी अनोखी बात कहने जा रही है तू। कोई भला अपना काका साहब का खून क्यों करेगा? हम यहां अपने भाई के दुख में डूबे हुए हैं और तू के वजह है थारे पास ये बात बोलने की। बोल, वजह है इसके पास और इसकी इस वजह का कवर रणवीर भी है। रणवीर, तारे को याद है ना, एक दिन मैंने इसे अपने कमरे में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, याद है ना तारे को? अरे तूने तो इसे थप्पड़ भी मारा था, याद है ना? आज इसे मौका मिल गया हमारे खिलाफ बदला लेने का। ये एक नंबर की चोर मक्कार है, मैं तो इसे नहीं छोड़ने वाला। रुक जा दीप, हरी चीजें झूठी ना है। इनको चोर साबित करके असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश ना करो आप लोग। भींतड़ी, होगी ये थारी बहन, लेकिन ऐसे समय में इतना बड़ा लाल झंड लगा रही है ये, वो भी बिना किसी वजह के, बिना किसी सबूत के। ले जाए इसे हाथ से। बिना किसी वजह कोई किसी पर इतना बड़ा लांछन न लगा सके। रुक्मी ऐसे मौके पे अगर दीप पर लांछन लगा रही है तो हमें उसकी बात सुननी होगी। माफ कर जो मासा, पर एक दासी का हवेली में रहने का ये मतलब नहीं है कि एक सच्चे इंसान पे लांछन लगावे। रहन दो मामा साहब, कुछ मत बोलो आप। आज मुझे पता चला कि दादी साहब और हमारे परिवार वाले हमारे बारे में क्या सोचे, इनकी नजरों में मैं क्या हूं पता चल गया। मारे को बोल बोल, थारे को जे बोलना है बोल। ठहरा दे मारे को, मारे काका साहब का हत्यारा। अरे चुप क्या बोल रहा? भगवान रे वास्ते, आप लोग ये बहस बंद करो। इसमें हमारा पति तो वापस नहीं आने वाला। से कब उनकी आत्मा को तो शांति से जाने दो। नहीं मासा, ये बात सच है कि पापा वापस नहीं आएंगे, लेकिन सच का खुलासा तो होना ही चाहिए और इस खुलासे के लिए मैं इस नौकरानी को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा, बल्कि अपने बड़े भाई साहब को सच्चा साबित होने का मौका दूंगा। आप अपनी मासा के सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप बेगुनाह हैं। कोई भी बेटा अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खा सकता है, पर आपकी कसम खाती कि हम सबके सामने झूठी साबित हो जाएगी।
नौकरानी की बात सुनकर मारे को आपके सर की कसम खानी पड़ी। मैं आज सबके सामने अपने मासा के सर पर हाथ रख के कहूं, मैंने ट्रक ड्राइवर से फोन पे बात की थी। इस रुक्मी ने हमारे बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने तो सिर्फ उतना कहा था कि अगर उसने कंसाइनमेंट वक्त पे नहीं पहुंचाया तो काका सर से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। पापा सर, काका सर जिस तरह होली खेलना बीच में छोड़कर बिना बताए चले गए, जाहिर है उन्हें भी उस कंसाइनमेंट को वक्त पे पहुंचाना था। अगर उसी ट्रक से काका सर का एक्सीडेंट हुआ तो ये हमारी बदकिस्मती है। इंस्पेक्टर साहब, जिस ट्रक से एक्सीडेंट में हमारे मेघसा की मौत हुई है, क्या वो ट्रक हमारी कंपनी की थी? ना, वो ट्रक हरियाणा से चुराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट एक दिन पहले झुंझुनू थाने में दर्ज की गई थी। हमें तो लगता है कि चोरी की ट्रक लेकर भागते समय वो मेघ सिंह की गाड़ी से टकराया गया। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ठाकुर साहब, अब आप अपने परिवार वालों से कहें कि छोटे ठाकुर के अंतिम दर्शन के लिए आए। उठिए पापा, पापा, पापा उठिए, उठिए ना पापा, प्लीज प्लीज उठिए। छोटे संभाल अपने आप को, संभाल भाई साहब। क्या होगा भाई साहब? छोटे पापा साहब, छोड़ के मत जाओ पापा साहब।
संभालो, आओ आप ठाकुरायन भी अंतम दर्शन कर लें ताकि हम छोटे ठाकुर को विदा कर सकें। Thank you.
ठीक है? जब से मैं को देखा तब से ना कुछ बोल रही है ना कुछ समझ रही है। मारे को तो इस बेचारे की चिंता हो रही है। सदमो पहुंचो, जो हुआ वो तो सदमा होने वाले ही, पर अभी ने सोक करवाना होगा, किस तरह इन्हें रुलाना होगा। अगर आप नहीं इजाजत हो तो मैं इन्हें रुलाने की कोशिश करूं। आपकी बेटी ने तो सारे खानदान को रुला रखा है, वो के कम है जो आप इजाजत मांगकर इस बिचारी को रुलाना चाहो। बड़े ठाकुर साहब, अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो आज अठे आकर इस परिवार के समधी होने का फर्ज तुमने निभाया। अब पधारो अठे से, चले जाएंगे। आपकी नाराजगी का कोई तो कारण होगा। कारण अपनी छोरी से पूछो। इस घर में एक नौकरानी की हैसियत भी ना है, और उसने हमारे बेटे दीप पर अपने ही काका साके खून करवाने का इल्जाम लगवा दिया, कहते हुए मरी की जवान भी ना जली। सुनना बाकी रह गया था? पर मां, मैंने अपने कानों से सुना था बड़े कुपर साहब छोटे ठाकुर साहब को मारने की बात कर रहे थे। मैंने जो सुना वो ही सबको बता रहा। मैंने कोई झूठ नहीं बोला मां। बस बहुत हो गया, चलो चलो यहां से। लेके जाओ अपनी बेटी को यहां से, आज से ये इस हवेली में नहीं जाएगी।